नमस्कार दोस्तों, शरद अढ़ा ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गजानन महाराज सेवा समिति संस्थान शेगांव की, जो कि आता है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में। यहाँ के संत श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए यहाँ रोजाना हजार लोग भीड़ करते हैं। दर्शन पाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। संत गजानन महाराज शिव के अवतार माने जाते हैं और उन्होंने अपने काल में अद्भुत लीलाएं की है। अच्छे नियोजनबद्ध कार्यक्रमों और साफ सफाई के लिए ये ट्रस्ट महाराष्ट्र में अव्वल माना जाता है। यही कारण है कि भक्तों का मन यहाँ पर प्रसन्न हो जाता है। अच्छी सी व्यवस्था और पानी के साथ साथ यहाँ पर स्वच्छता का भी बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। हर एक सेवाकर्मी अपना काम ठीक से और बखूबी जानता है। देखिए यहाँ पर, देखिए किस तरह से साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। और ये महाद्वार है, यहाँ पर लोग अपनी सेल्फी खिंचाते हैं। ये मंदिर का महाद्वार है, बहुत ही बड़ा सभा मंडप है मंदिर के सामने। गजानन महाराज का ये जो समाधि स्थल है, उसका ऊपर का ये जो कलश है बहुत ही अच्छा है। ये पीछे की साइड है। मंदिर परिसर का सामने वाला एरिया है, यहाँ से एंट्री हो जाती है दर्शन के लिए। और ये दुकानें हैं, काफी लोग यहाँ से खरीदारी करके जाते हैं। सब कुछ मिलता है यहाँ पर, बर्तन भी है, पीतल के बर्तन हैं, काफी सारी प्रसाद की दुकान लगाई हुई है सामने की तरफ से। और हाँ, यहाँ पे फेमस है ये कचौरी, शेगांव कचौरी से जानी जाती है। देखिए किस तरह से तली जा रही है कचौरियाँ, बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है, पोहा, समोसा, कचौरी, वड़ा पाव। यहाँ पर लोग दूर दूर से, महिला हो या पुरुष, ग्रुप करके सेवा करने के लिए आ जाते हैं। 25-25 लोगों का एक ग्रुप एक गांव का रहता है, उनको 5-5 दिन की सेवा दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र में आए हैं तो एक बार जरूर आना, शेगांव का दर्शन लेना गजानन महाराज का, और इस जो संस्थान है उसको एक बार अवश्य देख लेना।